जी जी ये कल जो है हमारे पास चौकी बिंदाल पे जो वादी है एजाज ये आया, इसने बताया कि इसके दो साथी हैं बुशेर और तौसीफ। ये परसों जो है खलील नाम का एक बिचौलिया था जो इनको सहारनपुर से लेकर आया यहाँ पे एक डील करवाने के लिए। डील में था इनका भी थोड़ा सा ये था, इनको भी लग रहा था कि हम तो मोटी आसामी है, हम इनसे थोड़ा सा कुछ पैसे कमा लेंगे, जमीन का ही सौदा था। परंतु वो इनके ऊपर इसलिए भारी पड़ गया कि उन्होंने इन्हीं का जो है अपहरण कर लिया। उसके बाद से डीलिंग चालू हुई गुलशेर के ही मोबाइल से, जो अपहरण करता थे वो लगातार उसके परिवार और दोस्तों से संपर्क में थे, एजाज के संपर्क में थे, और उन्होंने ये कोशिश की कि 25 लाख जब वो इनको मिल जाएगा तब इनको बंधक बना के रखा, तभी इनको छोड़ा जाएगा। जब ये सूचना मिली तो उसके बेसिस पे जो है सीएम मुसलमी साहब और इंस्पेक्टर कैंट आईसी बिंदाल एसएसआई कैंट के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित की गई। अच्छा, जो डीलिंग चल रही थी उस हिसाब से इनको वही मल्लूपुर के पास बुलाया गया था। तो ये दो गाड़ियों में आए, एक गाड़ी पहले रेकी करके चली गई, फिर पीछे से दूसरी गाड़ी में ये आए, तो उसके बाद पुलिस ने जो है ओवर पावर करके जो किडनैपर्स थे एक तरह से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दो लोग इसमें फरार हैं, सचिन और नवाब जो गिरफ्तार हैं, उनका नाम जफर और मोहित है। जिसका अपहरण हुआ क्या कर सकते, ये इन लोग लोकल ऐसी जमीन में ही प्रॉपर्टी और इस तरह का ही काम करते हैं, की वैसा इनका काम है। और तभी जो डील इनकी स्टार्ट हुई, ये 25 लाख से स्टार्ट हुई और आते आते जो है 5 लाख पे अटक गई। ये जो दोनों फरार अभियुक्त है सचिन और नवाब, इनके अभी आपराधिक इतिहास का भी पता करवाया जा रहा है। और सचिन ये दोनों ननौता के है, आरोपी बुला दो, कार दोनों पकड़ते हैं दो फरार हैं। ये फरार बताया मेरे ख्याल से नहीं, जफर कौन था भाई, क्या कैसे हुआ, क्या योजना थी तुम्हारी, जो सही हो सीधा बता दो। अच्छा जी, उन्हें बिठाया, बिठाने के बाद में आईसीडी छोड़ा,